नमस्कार दोस्तों वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स मैं हूं प्रशांत धवन नाउ यूएसए ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इन्होंने फॉर्म कर लिया है एक नया क्वाड ग्रुप हो सकता है कि इससे रिलेटेड आपने काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े हों यहां पर आप देखोगे लिखा हुआ है यूएस अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान पाकिस्तान इन्होंने अनाउंस किया है एक नया क्वाड ग्रुप फॉर अफगान पीस प्रोसेस ये इसका एक और आर्टिकल है और ये बहुत डिस्कस किया जा रहा है पूरी दुनिया में कि यूएस अचानक से अब एक नया क्वाड बना रहा है नाव यहाँ पे आपको समझना होगा क्वाड जो ये शब्द है ना ये शॉर्ट फॉर्म है क्वाडिलेट्रल की क्वाडिलेट्रल का मतलब होता है कोई भी शेप जिसकी चार साइड्स हो तो यूएस ने पिछले आप कह सकते हैं अराउंड वन टू टू इयर्स में बहुत सारे क्वाड ग्रुप्स बनाए हैं जहां पर यूएस समेत तीन और देश आपको मिलेंगे इनमें से ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट और हाई प्रोफाइल ग्रुप है द क्वाडिलेट्रल सिक्योरिटी डायलॉग जो क्वाड ग्रुप इंडिया यूएस जापान और ऑस्ट्रेलिया का है इसका प्रॉपर नाम है क्वाडिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो क्वाड ग्रुप यहाँ पे यूएसए ने फॉर्म किया है उजबेकिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ इसका कोई प्रॉपर नाम यूएस ने तो दिया नहीं है मगर मीडिया इसको ये कह रहा है कि ये फॉर्म हो चुका है अफगान क्वाड तो आज के समय देखिए दो क्वाड है एटलीस्ट इन एशिया इंडो पैसिफिक जो काफी हद तक न्यूज़ में है एक तो है अफगान क्वाड और दूसरा है क्वाडिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो क्वाडिलेटल सिक्योरिटी डायलॉग है ये फोकस करेगा प्राइमरली इंडो पैसिफिक रीजन में मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी ये रीजन है ये हो गया इंडो पैसिफिक और जो यहाँ पर अफगान क्वाड है ये बस फोकस करेगा इस रीजन में कि यहाँ पर तालिबान कंप्लीटली अराजकता यहाँ पे ना फैला दे और एक्चुअली यूएस को सबसे बड़ा डर यहाँ पर यह है कि अफगानिस्तान में फिर से अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन नर्चर होने ना स्टार्ट हो जाए और उसके बाद फिर से ये यूरोप या फिर यूएस को अटैक करना ना स्टार्ट कर दे मगर पूरी दुनिया यहाँ पे काफ़ी हद तक इस बात को लेकर शॉकड है कि यूएस ने किस तरीके से यहाँ पर कंट्रीज चूज करी है मेंबर्स चूज किए हैं इस नए क्वाड के क्योंकि रिसेंटली ही हमने देखा है कि इस ग्रुप में जो दो देश हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन्होंने एक दूसरे पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं मैंने इस पर एक वीडियो भी अपलोड करी है वो आप देख सकते हैं वर्ल्ड अफेयर्स पर जहां पर मैंने पॉइंट आउट किया है कि अफगानिस्तान के करंट प्रेजिडेंट अशरफ गनी ने इमरान खान के सामने एक समिट के दौरान यह कह दिया कि पाकिस्तान की तरफ से दस हज़ार जिहादी भेजे गए हैं अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की करंट गवर्नमेंट को डी करने के लिए और तालिबान को सपोर्ट करने के लिए उसके अलावा आप अगर देखो तो अफगानिस्तान के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने तो रिसेंटली ये भी कह दिया था कि अफगानिस्तान को वार्निंग आई है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कि अगर तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करी तो पाकिस्तान की एयरफोर्स बॉम्बिंग स्टार्ट कर देगी अफगानिस्तान की तो जब दो यहां पर पार्टी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रिलेशंस इतने जरा खराब हैं तो इनका एक क्वाड बनाना यह कई लोगों को समझ आ नहीं रहा कि यूएस यहां पर एकम्पलिश करने की कोशिश क्यों कर रहा है जबकि यहां पे आप देखोगे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी यहां पे फ्रॉम फ्रॉम द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इसमें इनके सपने बहुत बड़े हैं ये यहां पर कह रहे हैं कि यूएस ने फॉर्म किया है एक नया ग्रुप जहां पर यूएस होगा अफगानिस्तान पाकिस्तान उजबेकिस्तान और हम लोग यहां पर मिलकर काम करेंगे टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान साथ ही साथ आपस में कनेक्टिविटी इंप्रूव करेंगे ट्रेड यहाँ पे इंप्रूव करेंगे हम ट्रांजिट लिंक्स यहाँ पे बिल्ड करेंगे स्ट्रेंथन करेंगे बिजनेस टू बिजनेस टाइस को तो यूएस ने सपने यहाँ पे बहुत बड़े दिखाए हैं मगर ग्राउंड लेवल पर

और अफ़गानिस्तान में तालिबान कंटेन रहे ना यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अच्छा तो जो ये न्यू क्वाड है ये कुछ हद तक ऐसा दिखेगा ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान यूएस तो खैर काफ़ी दूर आपको बताया कहाँ पे है और उसके बाद ये यहाँ पे उज्बेकिस्तान मगर यू ने इन्हीं कंट्रीज़ को क्यों चुना है यू एस यहाँ पे चुन सकता था तजिकिस्तान को या फिर तुर्कमेनिस्तान को देखिए पहली बात तो तुर्कमेनिस्तान और यू के रिलेशन बहुत ज़रा ख़राब हैं यूएस ने बहुत बार आलोचना करी है तुर्कमेनिस्तान की सरकार की क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट तनाशाही जैसा रूल है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ पे है नहीं तो तुर्कमेनिस्तान तो देखिए अमेरिका की हेल्प करने नहीं वाला तजिकिस्तान को आप अगर देखो तो ये ज़्यादा रशिया के करीब है तजिकिस्तान आपको बताओगा सी का एक मेम्बर है और आज के समय रशिया ने यहाँ पे मिलिट्री भी डिप्लॉय कर रखी है तो रशिया अलाउ नहीं करेगा कि तजिकिस्तान में जो मिलिट्री बेसिस हैं यूएस उनको यूज करना स्टार्ट कर दे अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए फिर उजबेकिस्तान को आप अगर देखो तो ये एक्चुअली काफी अच्छा ऑप्शन है उजबेकिस्तान की एक काफी इंपॉर्टेंट बॉर्डर है विद अफगानिस्तान सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स यूएस यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्लम उजबेकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर पे करेगा और यहाँ पर ये यह लोग बिल्ड करेंगे मिलिट्री बेसिस पाकिस्तान ने इनको यहाँ पर यह कह दिया कि हम मिलिट्री बेसिस आपको बनाने नहीं देंगे ऑब्वियसली बात है ये सब इन्होंने कहा है चाइना के दबाव में मगर पाकिस्तान ने यहाँ पर यह मना नहीं किया कि इनका जो एयर स्पेस है वो यूएस यूज नहीं कर पाएगा तो पॉसिबिलिटी काफी हद तक यहाँ पर यह है कि यूएस के फाइटर जेट्स या जो इनके ड्रोन है ये यहाँ से टेक ऑफ करेंगे और हो सकता है कि काफी बार पाकिस्तान का ये एयर स्पेस भी इस्तेमाल करें अफगानिस्तान में प्रॉपरली निगरानी रखने के लिए मगर यूएस का जो ये ग्रैंड प्लान है सुनने में काफी सिंपल लगता है और लगता है कि ठीक है आई I मीन mean काम करना चाहिए उन्होंने यहाँ पे इन सब कंट्रीज से बातचीत कर ली है और यहाँ पे ये सब कंट्रीज भी राज़ी हो गई है नए क्वाड को लेकर तो प्रॉब्लम क्या आएगी देखो प्रॉब्लम यहाँ पे है रशिया रशिया ओपनली यहाँ पे विरोध कर रहा है इस नए क्वाड का है रशिया ऑब्वियसली बात है जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान यू का क्वाड है उसके अगेंस्ट भी है और जो ये नया क्वाड है इसके अगेंस्ट भी है रशिया ने पहले तो ये कहा है कि जिस तरीके से जल्दबाजी से यूएस ने पुल आउट किया अफगानिस्तान से ये एक मिस्टेक है इस मिस्टेक की भरपाई रशिया नहीं करेगा क्योंकि रशिया यहां पर यह कह रहा है कि जिन कंट्रीज के साथ आज के समय यूएस रिलेशंस इंप्रूव करने की बात कर रहा है फॉर मिलिट्री बेसिस अपने सोल्जर्स डिप्लॉय करने के लिए ये सब है फॉरमर यूएसएसआर कंट्रीज और रशिया ये मानता है कि इन सब कंट्रीज में ज्यादा इन्फ्लुएंस होना चाहिए रशिया का तो इसलिए रशिया ने ओपनली यहां पर यूएसए को ये कहा है कि सेंट्रल एशिया में अपने सोल्जर्स अगर आप लेकर आए तो रशिया इसको मानेगा ए स्टेप अगेंस्ट इट्स इंटरेस्ट तो यूएस के लिए देखिए आज के समय बहुत ही ज्यादा एक मुश्किल काम है यहाँ पर सेंट्रल एशिया में फ्रेंडली कंट्रीज ढूंढना जो इनको मिलिट्री बेसिस देगी जिससे कैसे भी करके अफगानिस्तान में जो ये करंट अफगान गवर्नमेंट है इसको ये सपोर्ट कर पाए और रशिया ओब्वियसली यूएस की प्रेजेंस का विरोध इसलिए करेगा क्योंकि रशिया खुद ये चाहता है कि जल्द से जल्द तालिबान अफगानिस्तान में टेक ओवर कर ले क्योंकि ये काफी लंबे समय से प्रो तालिबान रहे हैं तो अभी के लिए देखिए ग्रुप तो फॉर्म हो चुका है ये कितना सक्सेसफुल होगा ये हमको पता लगेगा आने वाले दो से लेकर तीन साल में पॉसिबिलिटी यहाँ पर यही है कि सिंस अफगानिस्तान और पाकिस्तान में काफ़ी डिफरेंसेस हैं इवेंचुअली इस ग्रुप का कोई प्रॉपर बेनिफिट ना इस रीजन को मिलेगा ना यूएस को मिलने वाला है और फाइनली यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे यूपीएससी एसएससी बैंक एनी एग्जामिनेशन सिंपली जावन अकेडमी डॉट कॉम पर चूज करो अपना एग्जाम ऑफ चॉइस फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी क्लिक ऑन यूपीएससी पी सी एस सी गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स जो प्लस कोर्स है यूपीएससी का ये चौबीस महीने का आपको पड़ेगा सिर्फ तीन हज़ार रुपये का मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड पीरी टेन एंड द प्राइस विल फॉल सो यूज द कोड पीरी टेन एंड सेव मनी सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत थैंक यू फॉर एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल